गुड मॉर्निंग बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, जिसमें आज हम कक्षा 10 की गणित का जो चैप्टर नंबर 3 है बहुपद, उसकी प्रश्नावली 3.2 पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और हो सके जितना आपका सहयोग करें कि इस वीडियो को या इस यूट्यूब के लिंक को अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। जैसा कि विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब घर बैठ करके शिक्षण सामग्री के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं, और साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ उनका आपको ढंग से नोट्स बना करके भी काम करना है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी हम घर बैठ के इस तरह से पढ़ सकते हैं जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई टॉपिक पढ़ना है या किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज हमारी प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। तो कक्षा 10 की गणित पढ़ते हैं जिसमें प्रश्नावली 3.2 है। प्रश्नावली 3.2 जिसका पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला है इसका, वो है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एफएक्स में जीएक्स का भाग देकर भागफल व भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें विभाजन एल्गोरिथम जो हमने अध्याय 2 में पढ़ा था वही अध्याय इसमें एल्गोरिथम लगेगा जो बहुपद के लिए लगेगा। यानी कि हमें एक एफएक्स, इनकी बहुपद एफएक्स दिया हुआ, एक बहुपद जीएक्स दे रखेगा। यानी कि फिर उसमें क्या करना है कि एफएक्स के मान में जीएक्स के मान का भाग लगाना है और शेषफल और भागफल ज्ञात करना है। जैसा कि इसका पहला लिखा हुआ है, पहले का पहला लिखा है एफएक्स बराबर लिखा हुआ है 3x³ 3x³ प्लस x², इनकी x² प्लस 2x + 5, इनकी 3x³ प्लस x² प्लस 2x + 5, यानी कि इस fx का मान है ये। इस fx के मान में हमें gx का मान दिया हुआ है, gx बराबर 1 प्लस 2x प्लस x² यानी कि 1 + 2x + x² का भाग लगाना है। अब देखो इसको हम, ये जो gx का मान है, मैं बड़ी घात के रूप में इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² मैंने पहले लिख लिया, 2x बाद में लिख लिया और 1 सबसे लास्ट में लिख लिया, क्योंकि तीनों संख्या प्लस की है, प्लस में क्रम का कोई क्रम विनिमयता होती है, यानी कि क्रम का कोई मतलब नहीं होता है। पहली संख्या को बाद में लिखो या बाद की संख्या को पहले लिखो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जीएक्स का मान मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अब हम इसका हल करते हैं, इनकी भाग कर शुरू करते हैं। तो हम भाग के निशान में इस प्रकार से हम छोटी कक्षा में लिखते आ रहे हैं। यहां हमें एफएक्स लिखना है क्योंकि जिसमें भाग देना है, भाज्यक हमारा संख्या है, हमारी भाज्य संख्या है वो है 3x² प्लस 3x³ प्लस x² प्लस 2x +
5 और इसमें भाग लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, क्योंकि यही तो है gx का मान, तो एफ एक्स में gx का भाग लगाना है। तो अब इस भाग को शुरू करने के लिए सबसे पहले देखो इस पूरे समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है, तो x की अधिकतम घात है 3 और यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है, तो x की अधिकतम घात है 2, यानी कि हमारे पास x की घात 3 करनी यहां 2 है तो एक x की कमी है, तो एक x की कमी है, साथ में x की घात 3 है, x की घात 3 के साथ एक संख्या 3 है लेकिन यहां संख्या कुछ भी नहीं है तो 3 का भी हम कमी है। तो मैं 3x को इस पूरे समीकरण से गुणा करूंगा, तो 3x को x स्क्वायर से गुणा किया तो हो गया 3x³। 3x² को 3 से, 3x को x स्क्वायर से गुणा किया तो हो गया 3x³। फिर प्लस का प्लस, 3x को 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x², क्योंकि 3 और 2 6 और x का x से गुणा किया तो x² आ गया। फिर प्लस का प्लस, 1 का गुणा 3x से करेंगे तो आ जाएगा 3x। इस प्रकार मैंने 3x का गुणा तीनों के साथ किया तो मेरे पास 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x आ गया। अब क्या होता है कि भाग के इसमें निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की संख्या ये भी माइनस हो जाएगी, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। देखो 3x² में से 3x³ में से 3x³ गए तो यहां तो शेषफल हो जाएगा 0। प्लस का है x² माइनस के 6x² तो माइनस के 5 ज्यादा है, प्लस का 1 है माइनस के 6 है तो माइनस के 5x² रहेंगे, प्लस के 2x है माइनस के 3x है तो माइनस का x रहेगा और यहां पीछे शेष कौन सी संख्या रहेगी थी वो यहां लिख देंगे प्लस के 5। तो अब हमारे पास नया समीकरण बन गया 5x² माइनस एक्स प्लस 5। अब इसको और इसमें देखते हैं, यहां भी x की घात 2 है यहां भी x की घात 2 है तो x की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन यहां x की घात 2 के साथ में माइनस के 5 है, यहां x की घात 2 के साथ में माइनस के 5 है, यहां x की घात 2 में माइनस के 5 है पर यहां कुछ भी नहीं है तो माइनस 5 की कमी के, तो यहां ले गए थे हम माइनस 5। माइनस 5 को x² से गुणा किया तो हो गया माइनस का 5x². फिर यहां प्लस है यहां माइनस है और प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस के सॉरी प्लस के 2x को माइनस के 5x से गुणा करेंगे तो माइनस के 10x आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यहां से देखते हैं कि 2 का गुणा 5 से किया तो 10 हो गया, साथ में x है। फिर यहां माइनस है यहां प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आएंगे। इस प्रकार से हमारे पास में गुणा करने पर संख्या आ गई, वो आ गई, गुणा करने के बाद जो संख्या आई थी यानी कि यहां माइनस की है तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस की है तो प्लस हो जाएगी और ये भी माइनस की है तो प्लस हो जाएगी, इनके निशान चेंज होते हैं। निशान चेंज होने के बाद प्लस माइनस के 5x² में से प्लस के 5x² गए तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस के x और प्लस के 10x तो माइनस का तो 1 है, प्लस के 10 है तो 9x रहेंगे, प्लस के 9x और प्लस के 5 और ये 5 तो 5 और 5 जोड़ के हो गए 10। अब हमें क्या करना है, यहां पर x की घात कितनी है 1, यहां कितनी है 2, यानी कि अब x की घात 2 है नहीं तो भाग हमारा यहां पे समाप्त हो जाता है, तो भागफल आ गया हमारे पास, यदि x की घात 2 होती तो हम भाग दे देते लेकिन यहां x की घात 2 है यहां 1 ही है तो भाग समाप्त हो गया, तो भागफल आ गया हमारे पास वो आ गया ऊपर लिखा हुआ 3x - 5, तो भागफल आ गया 3x - 5 और शेषफल आ गया हमारा वो आ गया 9x + 10, यानी कि इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करना था। देखिए मैं वापस समझाता हूं, सबसे पहले हमारे पास लिखा था 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। अब क्या होता है कि देखो यहां पर x की घात 2 थी, यहां x की घात 3 थी तो एक x की कमी थी, मैंने ऊपर लिख ली। फिर यहां x की घात 3 के साथ 3 गुणे में, यहां कोई संख्या गुणे में नहीं मतलब एक गुणे में है तो यहां 3 की भी कमी थी तो मैंने 3 लिख लिया तो टोटल बन गया 3x। अब इस 3x का इन तीनों से गुणा किया तो पहले इससे गुणा किया था 3x³, फिर 2x का 3x का 6x²
एक का तीन एक्स का तीन एक्स, तीन ने प्लस किए प्लस लगा लिए, फिर क्या था निशान चेंज कर देते हैं, निशान चेंज करने के बाद ये आपस में कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का तो एक एक्स स्क्वायर है, माइनस के छह थे तो माइनस के पांच रह गए, प्लस का दो था माइनस का तीन है तो प्लस का एक रह गया, माइनस का एक रह गया और ये पांच वापस अगले पद में उतार दी। अब यहाँ एक्स का दो है, यहाँ भी दो है तो एक्स तो बराबर है, लेकिन यहाँ माइनस पांच गुणे में यहाँ कोई संख्या गुणे में नहीं है तो माइनस पांच की कमी थी ऊपर लिख ली। इसके बाद माइनस पांच का तीनों से गुणा किया तो माइनस पांच एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस पांच आ गए, और निशान चेंज होते हैं तो यहाँ माइनस के चिन्ह सब में तो सब प्लस हो जाएंगे। अब माइनस के ऊपर प्लस के नीचे कट गया, माइनस का एक प्लस का दस तो प्लस के नौ रह गए एक्स, और प्लस के पांच प्लस के पांच प्लस के हो गए दस। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा है, दूसरा लिखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस तीन, और जी एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस दो। ये हमें भाग करना है, तो वापस हम इसका वही प्रोसेस करते हैं कि एफ एक्स यहां लिख देते हैं निशान के अंदर, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स की घात तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस तीन, और यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस दो। अब देखो यहां पर एक्स की घात तीन, यहां एक्स की घात दो, तो एक एक्स की कमी है, एक एक्स की कमी है, बाकी किसी की कमी नहीं थी। इस एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से किया तो क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब। फिर एक्स का गुणा माइनस दो से करेंगे तो माइनस के दो एक्स आएंगे, और माइनस के दो एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे, एक्स के नीचे लिखेंगे, क्योंकि क्यूब के नीचे क्यूब लिखते हैं, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखेंगे, एक्स के नीचे एक्स लिखेंगे, संख्या के संख्या लिखते हैं। तो दो का गुणा माइनस दो से, दो एक्स का गुणा माइनस दो से किया तो रहेगा माइनस का दो एक्स। यहां कुछ भी नहीं है तो आप यहां जीरो कर सकते हैं, प्लस का या माइनस प्लस का, ठीक है। अब क्या होता है, इनके निशान बदलेंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, नहीं प्लस का। तो अब यहां से देखो एक्स से एक्स कट गया, ये जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर डैश भी कर सकते हो। इनकी हमने गुणा किया था एक्स की एक, यहां एक्स की घात थी तीन और यहां एक्स की घात थी दो, तो एक एक्स की कमी थी तो ऊपर लिख ली, और इस एक्स को इससे गुणा किया एक्स स्क्वायर से, तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब हो गया, फिर माइनस दो का गुणा एक्स से किया तो माइनस के दो एक्स हो गए, और हमें एक्स क्यूब के नीचे तो एक्स क्यूब लिखना है और खाली एक्स के नीचे एक्स लिखना है, स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो कुछ से लिखेंगे। अब देखो ये कट गया, यहां से हमारा आ गया माइनस का तीन एक्स स्क्वायर, और ये हो गए प्लस के सात एक्स और माइनस के तीन। अब देखो यहां पर है एक्स स्क्वायर, यहां पर भी है एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर है, लेकिन यहां माइनस का तीन है, यहां कुछ भी नहीं है तो माइनस के तीन की कमी है, तो माइनस के तीन को इनसे गुणा करेंगे तो देंगे माइनस के तीन एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस तीन दूनी छह, संख्या के नीचे लिखेंगे, एक्स के नीचे कुछ नहीं तो डैश कर देंगे। अब देखो तीन एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारा यहाँ से सात एक्स, और माइनस माइनस माइनस, और छह और तीन नौ। अब यहाँ घात एक्स है, यहाँ घात स्क्वायर है, इसलिए भाग हो गया खत्म। तो हमारा यहाँ पर भागफल आ गया एक्स माइनस तीन, और शेषफल आ गया सात एक्स माइनस नौ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा इसका, यदि आपको भाग समझ में नहीं आया होता है होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा वापस पीछे कीजिए और वापस उसको रिवाइज ढंग से देखिए कि मैंने क्या किया, वो आपको जरूर समझ में आएगा। यही हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फायदा है
ऑफलाइन में टीचर को बार बार बोल करके या बोर्ड साफ कर दिया होता है तो फिर वापस लिखना पड़ता नहीं, तो इसमें आप वीडियो पीछे आगे करके कोई भी चीज वापस समझ सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वो है कि एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस छ एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स, एक्स क्यूब माइनस छ एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स माइनस छ, और जी एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स प्लस दो। अब क्या करना है कि ये एफ एक्स है जी एक्स भी भाग करना है, तो करते हैं इसका भी भाग करके देखते हैं कि उत्तर आता है नहीं आता है। तो यहां लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स माइनस के छ, और यहां लिख देंगे एक्स प्लस दो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस दो है, ये हमारा भाग है। देखो यहां पर x की घात कितनी है, पूरे समीकरण में देखना है कि x की बड़ी घात कितनी है, तो बड़ी घात है तीन। यहां x की घात कितनी है, कुछ नहीं मतलब एक है, यहां घात तीन है यहां एक है तो दो की कमी है, तो x की घात दो की कमी है। कहां पे कमी है, यहां पर, यहां पे जो कमी होती है वो यहां लिख लेते हैं। अब यहां x की घात तीन है, यहां दो की कमी थी, लिख दिया। इस एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा किया तो बन गया एक्स क्यूब, इस एक्स स्क्वायर को दो से गुणा किया तो बन गया दो एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में दो पद है, दो पद लिखेंगे, दो पद पीछे पड़े छोपड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो पद थे दोनों से गुणा कर दिया। अब निशान बदल देते हैं तो ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, तो ये तो आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर प्लस का नीचे माइनस की सेम संख्या होती है तो कट जाती है पूरी, इनकी जीरो हो गया। माइनस के छह एक्स स्क्वायर माइनस के दो एक्स स्क्वायर टोटल हो गए माइनस के आठ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर माइनस के छह थे माइनस के दो और है, ये निशान पहले प्लस का था फिर माइनस का चेंज होता है माइनस हो गया, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस के छह माइनस के दो के माइनस के आठ एक्स स्क्वायर। अब हमारा क्या होता है कि अगला पद साथ में और लिख लेते हैं, तो लिख दिया प्लस का ग्यारह एक्स, एक पद ही लिखते हैं भाग में भी ऐसे काम करते हैं, एक संख्या उतारते थे फिर अगली संख्या उतारते हैं। अब देखो यहाँ x है यहाँ x स्क्वायर है तो एक x की कमी है वो यहाँ लिख दी, क्योंकि यहाँ x की घात दो है यहाँ खाली एक है तो एक x की कमी है, और साथ में माइनस आठ है यहाँ कुछ भी नहीं है तो माइनस आठ की भी कमी है, तो माइनस आठ इसके आगे लिख देंगे ऐसे, यानी कि माइनस आठ x की कमी थी वो यहाँ लिख दी। अब माइनस आठ x को x से गुणा किया तो आ गया माइनस का आठ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का गुणा दो प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, दो का किया तो सोलह एक्स हो गए, क्योंकि आठ दो सोलह और आगे माइनस था इसलिए माइनस है सोलह एक्स, निशान बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा प्लस का। माइनस के आठ एक्स स्क्वायर में से प्लस के आठ एक्स स्क्वायर घट गए तो ये तो जीरो हो गया, ग्यारह एक्स प्लस के सोलह एक्स भी प्लस के तो कुल हो जाएंगे आपके सत्ताईस एक्स, और ये साथ में अगला पद उतर जाएगा यहां पर माइनस के छह ग्यारह छह सत्रह दस सत्ताईस एक्स और प्लस के छ। अब क्या होता है कि यहाँ है सत्ताईस एक्स यहाँ खाली एक्स है तो भाग जा सकता है और सत्ताईस की कमी है तो प्लस के सत्ताईस लिख दो यहाँ पर, जब सत्ताईस का ऐसे गुणा करोगे तो सत्ताईस एक्स प्लस चौपन, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो ये आपका यहां से सत्ताईस एक्स प्लस के सत्ताईस एक्स माइनस के कट गए, माइनस के छ और माइनस के चौपन हो गए माइनस के साठ, तो यहां पर अपना भागफल आ गया। अगली बार मैंने भाग दिया क्योंकि यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स, इसलिए मैंने भाग दिया, यदि एक्स की घात दो होती भाग खत्म होता, लेकिन अब भाग अब खत्म हुआ है, अब यहां पर एक्स नहीं है यहां पर एक्स, इसलिए भाग नहीं जाएगा, तो भागफल आ गया हमारा वो आ गया इसका तीन पदों का आया है एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस के सत्ताईस और शेषफल आया है माइनस के साठ। आपको जरूर समझ में आया होगा ये भाग। इसी प्रकार इसका लास्ट चौथा क्वेश्चन है पहले का वो है
चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें हमें ये लिखा गया है कि एफ एक्स बराबर पहले का ही चार नंबर है एफ एक्स बराबर 9x^4 - 4x^2 + k^4 और जी एक्स लिखा हुआ है वो लिखा है 3x^3 + x - 1 यानी कि इसका पार करना है। अब क्या करना है कि ये हमारा एफ एक्स है ये जी एक्स है तो वही काम करते हैं हल करते हैं इसको भी तो बाद में निशान में लिख लेते हैं 9x^4 - 4x^2 + 4 और यहां लिख देते हैं 3x^2 - x - 1। अब देखो यहां x^4 है यहां x^2 बड़ी घात यहां 4 है यहां 2 है तो 2 की कमी है यहां है 9 यहां है 3 3 को किससे गुणा करें कि 9 बन जाए तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 बनते हैं तो 3 की भी कमी है। अब इस 3x² को इससे गुणा करेंगे तो जाएंगे 9x^4 फिर 3x को प्लस x से गुणा करेंगे तो जाएंगे 3x² और x से गुणा करेंगे 3x³ और क्यूब कहीं नहीं है तो हम यहां लिख देते हैं प्लस के 3x³ साइड में क्योंकि एक इसके नीचे x³ कहीं नहीं तो अलग लिखेंगे फिर है यहां इस माइनस और यहां स्क्वायर है तो माइनस के लेंगे 3x² ये थोड़ा सा देखो क्या होता है कि इस प्रकार देखो इसमें यहां हमारे पास x^4 थी यहां 2 है तो 2 की कमी है यहां 9 है यहां 3 है तो 3 की भी कमी है 9 को 3 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 बनेंगे जब हमने इसका गुणा किया 3x² का 3x² से गुणा किया तो आगे 9x^4 फिर 3x² का खाली x से गुणा किया तो आगे 3x³ और इस पद में कहीं पर भी x^3 नहीं है तो इसको लास्ट में लिख दिया मैंने 3x³ क्योंकि अलग लिखना पड़ता है जिसके नीचे 4 तो घात 4 वाला नीचे 2 के नीचे 2 वाला संख्या के नीचे संख्या शेष आगे अब इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस का ये प्लस का ये माइनस का ये तो पूरा कट गया ये माइनस के तो है 4x² प्लस का है 3x² तो माइनस का एक्स के रह गए 4 और माइनस के रह गए 3x³ क्योंकि देखो यहाँ माइनस के 4x² है प्लस के 3x² है तो माइनस के 4 में से 3 घट जाएंगे तो माइनस का 1 रहेगा 4 के नीचे कोई संख्या नहीं तो 4 का 4 ही आएगा और ये माइनस का 3x³ है माइनस का 3x³। अब इस पूरे में देखते हैं तो हमारे पास में x की अधिकतम घात 3 है और यहाँ अधिकतम घात 2 है तो केवल एक x की कमी है यहाँ संख्या का कि निशान प्लस का है यहाँ माइनस का है तो माइनस की भी कमी है क्योंकि इस निशान को हमें प्राप्त करना है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस की तो ये निशान करेंगे उसके बाद इसका गुणा करते हैं तो 3x² को माइनस x से गुणा किया तो आ गया माइनस का 3x³ फिर माइनस के x को प्लस के x के साथ गुणा किया तो आ गया माइनस का x² और 1 का गुणा किया x के साथ तो माइनस 1 एक संख्या है नहीं तो माइनस और माइनस प्लस का x हो जाएगा मैंने x माइनस x का गुणा इसके साथ किया तो माइनस के 3x³ माइनस x का गुणा प्लस x के किया तो माइनस का x² माइनस का गुणा माइनस एक का गुणा x के साथ किया तो प्लस का 1x या खाली x भी लिख सकते हैं अब आपके ये भी हो जाएगा प्लस का ये भी हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का ये तो कट गया पूरा ही क्योंकि प्लस माइनस हो गया ये भी पूरा ही कट गया प्लस माइनस हो गया हमारे पास रह गया 4 - x और 4 - x में ये भाग नहीं जाता क्योंकि यहाँ x^1 है यहाँ 2 है ये छोटी हो गई तो हमारे पास में इसका भागफल आ गया वो आ गया 3x² - x और शेषफल आ गया -x + 4 भी लिख सकते हैं या 4 - x भी लिख सकते हैं ये भी सही है यदि बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो भी सही है कुछ भी हो सकते हैं शेष पढ़ने में से दोनों सेम ही बात है ये पहले लिखा है तो -x + 4 या 4 - x तो ये आंसर होगी इसके ये थे पहले के 4 क्वेश्चन भाग के यदि आपको ढंग से समझ में आए हैं
तो बढ़िया है। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो का पीछे कीजिए वापस और वापस रिवीजन के रूप में समझिए, जरूर आपको समझ में आएंगे। अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग करो और जांच करो कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। चलो मैं दूसरा प्रश्न लिख लेता हूं। पहले दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, यानी कि हमें जांच करनी है। क्या करना है इसमें, यानी कि अब मैं प्रश्न ये कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये जांच करनी। यानी कि गुणनखंड कब होगा, जब हम पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाएंगे तो यदि उसका भागफल पूरा हो जाए, शेषफल जीरो आ जाएगा तो गुणनखंड है, और शेषफल जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है जीएक्स। अब पहले जीएक्स का भाग लेंगे, जीएक्स पहले आएगा कि पहला बहुपद जीएक्स है। जीएक्स लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, और एफ एक्स लिखा हुआ है हमारे पास, वो लिखा है तीन एक्स की घात चार, तीन एक्स की घात चार प्लस पांच एक्स की घात तीन माइनस सात एक्स की घात दो प्लस दो एक्स प्लस के दो। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन, यही है कि पहले बहुपद की दूसरे बहुपद में भाग लेना है, तो इसका हम हल करते हैं। यहां दूसरा बहुपद लिखेंगे तीन एक्स की घात चार प्लस पांच एक्स की घात तीन माइनस सात एक्स की घात दो प्लस दो एक्स प्लस दो, और यहां लिखेंगे पहला बहुपद एक्स की घात दो प्लस तीन एक्स प्लस एक, ये काम करना है। अब देखो यहां पर हमारे पास में पूरे समीकरण में एक्स की बड़ी घात कितनी है, भाग देना है पहले तो तभी तो पता चलेगा गुणनखंड है कि नहीं, भाग देके चेक करना है। तो यहां बड़ी घात है x की वो है चार, और यहां बड़ी घात x की वो है दो, तो कितनी कमी है, तो x की घात दो की कमी है। साथ में यहां पर तीन है, यहां कुछ भी नहीं है, तो तीन की भी कमी है। तो यानी कि हम इस पूरे पहले बहुपद को इस पूरे बहुपद को इस तीन एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो तीन एक्स स्क्वायर का इस एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो बन गया तीन एक्स की घात चार, फिर प्लस तीन एक्स का तीन एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो आ गया तीन त्रि नौ और एक्स क्यूब, फिर प्लस एक का गुणा तीन से किया तो तीन साथ में एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका तीनों का गुणा हो गया पहले।
सो अब देखो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। प्लस का और माइनस का ही तो पूरा कट गया, जीरो हो गया। प्लस के तो 5x³ और माइनस के 9x³, तो माइनस के 4 ज्यादा है, तो माइनस के 4x³। माइनस के 7x² माइनस के 3x, तो माइनस माइनस 10 हो गए, 10 हो गए माइनस के 10x² और ये एक पद यहाँ और उतार लेंगे, प्लस का 2x। अब हमारे पास में नया समीकरण बन गया, माइनस का 4x³ माइनस का 10x² प्लस के 2x। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ 3 है, तो 1x की कमी है। यहाँ माइनस के 4, यहाँ कुछ नहीं है, तो माइनस 4 की भी कमी है। अब क्या करना है, तीनों को इस माइनस 4x से गुणा करना है, तो जाएंगे माइनस के 4x³, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस ही आएगा, 4 × 3 = 12x² और माइनस के 4x, क्योंकि यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो तीनों निशान माइनस की रहेंगे, प्लस माइनस का गुणा करते हैं माइनस आते हैं। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस था, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये भी निशान प्लस का होगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस पूरा कर जाएगा। माइनस के 12x² प्लस माइनस के 10x² प्लस के 12, तो प्लस के 2 ज्यादा है, तो 2x² आगे प्लस लगाओगे नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि निशान नहीं मतलब प्लस की संख्या है। माइनस 10 थी, प्लस 12 थी, 2 ज्यादा है प्लस के, यहाँ प्लस के 2 है, प्लस के 4 है, तो टोटल लगे प्लस के 6x। अब हमारे पास देखो यहाँ x की घात कितनी है, 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन अभी एक पद भी पड़ा है, इस 2 को लिखेंगे यहाँ पर, तो प्लस का 2। अब देखो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन 2 यहाँ है, यहाँ 2 नहीं है, और 2 किसका है, किसी निशान है, मतलब 2 है प्लस का। अब इस पूरे को 2 से गुणा करेंगे, तो 2x², इनको 2 को 3 के 6 से 7 किया, तो 3 × 2 = 6x, और 1 का 2 से गुणा किया तो आ गया 2। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी कट गया, सेम सेम है, प्लस माइनस है, ये भी कट गया और ये भी कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0। अतः gx fx का गुणन गुणन गुणनखंड है, ठीक है, यानी कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि शेषफल क्या आ गया हमारे पास, शून्य आ गया, इसलिए यदि शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। यह था पहला क्वेश्चन दूसरे का। इसी प्रकार दूसरे का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें अब की बार x की जगह पर t कर दिया, t करो चाहे कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा लिखा हुआ है gt बराबर लिखा हुआ है t² - 3 और ft बराबर लिखा हुआ है, वो लिखा है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t प्लस के माइनस के 12, ये लिखा हुआ है। यानी कि अब की बार x की जगह पर t लिख दिया, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, जहां x मान देते वैसे हम t हो जाएगा अब की बार। तो हल करते हैं इसका भी, दो टी की घात 4 माइनस प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस के 12, यहां आ जाएगा t²⁻³। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर t²² है, यहाँ 4 है, तो t²² की कमी है, यहाँ 7 में 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 2 की भी कमी है। इस 2t² को t² से गुणा किया तो हो गया 2t⁴। माइनस है यहाँ पर, यहाँ है प्लस, तो गुणा आएगा माइनस का,
और तीन दूनी छह और साथ में टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। क्यूब के नीचे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि क्यूब नहीं था, इसलिए अगर यहाँ टी का क्यूब होता तो इसके नीचे लिख करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर नीचे आएगा, स्क्वायर स्क्वायर के नीचे आता है क्यूब, घात जितनी होती है संख्या की उसी के नीचे आती है। जैसे यहाँ घात चार थी तो चार नीचे आई, तीन की है नहीं दो की दो के नीचे आएगी। अब इसको हम हल करते हैं तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका माइनस सॉरी प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये भी माइनस का था प्लस का हो गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहां रह गया आपका तीन टी क्यूब, ये वाला सेम रहेगा क्योंकि घटेगा कुछ है नहीं। यहां माइनस के दो टी है प्लस के छह टी है तो प्लस के चार टी स्क्वायर रहेंगे और एक स्टेप ये उतर गया माइनस का नौ टी। अब यहां पर टी की घात तीन है, यहां है टी की घात दो तो एक टी की कमी है, यहां पर साथ में तीन है यहां कुछ भी नहीं है तीन की भी कमी है, तीन के आगे कोई निशान नहीं मतलब प्लस का निशान है। अब प्लस तीन टी को गुणा किया तो आगे तीन टी स्क्वायर सॉरी क्यूब तीन टी क्यूब और माइनस तीन तीन का प्लस तीन से गुणा किया तो हो गया नौ और साथ में टी है तो टी ये हो गया, ये हो जाएगा आपका माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, ये पूरा कट जाएगा ये भी पूरा कट गया तो हमारे पास रह गया चार टी स्क्वायर और माइनस के रह देंगे बारह, क्योंकि यहां से ये चार टी स्क्वायर क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो सेम सेम आएगा ये और यहां उतार देंगे अगले संख बारह। तो अब देखो यहां पर है चार टी स्क्वायर और बारह, यहां टी स्क्वायर यहां भी टी स्क्वायर है लेकिन यहां चार है यहां चार नहीं है तो प्लस के चार की कमी है, चार का गुणा करेंगे रह देंगे चार टी स्क्वायर और माइनस चार त्री बारह क्योंकि अगले साल माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का, ये भी कट गया यानी कि निशान प्लस का हो जाएगा, उल्टा निशान होता है तो यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का माइनस प्लस के बारह बारह बराबर कट जाएंगे, ये भी कट गया शेष पर जीरो आ गया तो अतः यहां भी लिखेंगे अतः जी टी एफ टी का गुणनखंड है, अतः जी टी एफ टी का गुणनखंड है। इसी प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन है वो है तीसरे क्वेश्चन में लिखा है कि जी एक्स बराबर वापस एक्स है तो जी एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स प्लस एक और एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स की घात पांच माइनस चार एक्स की घात तीन प्लस एक्स की घात दो प्लस तीन एक्स प्लस का एक, ये लिखा हुआ है। अब हमें शब्द ये करना है कि अब क्या करना है कि इसके अंदर इसका भाग लगाना है और शेष देखना है कि शेष पर जीरो आता या नहीं आता, वही काम करना है। एक्स की घात पांच माइनस चार एक्स की घात तीन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, भाग देना है एक्स की घात तीन माइनस तीन एक्स प्लस एक का, यही काम करना है। तो चलिए देखो यहां पर एक्स की घात कितनी है पांच है और यहां पर एक्स की घात कितनी है तीन है तो दो की कमी है तो एक्स की घात दो कम है, बाकी यहां संख्या कोई नहीं अभी संख्या कोई नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या है नहीं तो क्या लिखेंगे आप। अब इसका एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब से गुणा किया तो एक्स की घात आ गई पांच, इस एक्स स्क्वायर का इस तीन के साथ गुणा किया तो ये माइनस का है तो माइनस का तीन एक्स का गुणा एक्स क्यूब हो गया, स्क्वायर का साथ इसके गुणा किया तो प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां भी माइनस हो जाएगा यहां प्लस हो जाएगा यहां माइनस हो जाएगा क्योंकि निशान बदल जाते हैं भाग में, ये तो आपका पांच एक्स है पांच एक्स की घात पांच से एक्स की घात पांच कट गई, माइनस के चार एक्स क्यूब प्लस के तीन एक्स क्यूब तो माइनस का एक्स क्यूब रह गया बाहर क्योंकि माइनस का रहेगा माइनस का एक्स क्यूब रहेगा, यहाँ प्लस का थे तीन और माइनस के चार है तो एक रह गया, प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर है दोनों सेम सेम में कट जाएंगे, शेष क्या रह गया तो ऊपर रह गया है तीन एक्स प्लस एक, इन दोनों पद मैंने यहां लिख दी तीन एक्स प्लस एक, ये शेष रह गया बाकी कट गए।
अब हमारे पास यहाँ x की घात 3 है, यहाँ भी x की घात 3 है, तो अब हमारे पास में यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इनकी माइनस 1 से गुणा करूं मैं भी इसको, तो निशान बदलेंगे बाकी सेम सेम संख्या आएगी, तो जाएंगे माइनस के x क्यूब और ये हो जाएंगे माइनस के 3x इस x और ये हो जाएंगे आपके माइनस के 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये तो पूरा कट गया आपस में, ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस के 6x और ये रहेंगे प्लस के 2। अब देखो ये माइनस के 6x प्लस 2, क्योंकि माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस के 6 रहेंगे और प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस के 2 हो गए। अब यहाँ पर x का 3 है, यहाँ खाली x आ गया, इनके भाग समाप्त हो गया, लेकिन शेष फल 0 यहाँ नहीं आया, तो लिखेंगे अतः gx fx का गुणनखंड नहीं है, यानी कि जो gx है वो fx का गुणनखंड नहीं है, ये सिद्ध करना था। तो आज के हमारे दो क्वेश्चन पूरे हुए, कल हम इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 करेंगे, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ आपका जो सहयोग दे रहे हो आप, उस सहयोग को भरपूर बनाए रखें। धन्यवाद।